हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको तीन कलर से ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइनर डोरमेट बनाना सिखाएंगे। बहुत ही प्यारा डिजाइन है और मैं इसको पूरा कंप्लीट बना के आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आपको डिजाइन सीखना है तो। और उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने 8 नंबर की नीडल्स का यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा। तो चलते हैं, फंदे डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक नोट लगाएंगे, ऐसे आप स्लिप नोट इसमें लगा लीजिए। और अगर आपको फंदे डालने आते हैं तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे जो ये ऐसे ऐसे घूम जाए। देखिए, एक हमारा नोट से हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम ये देखिए, इसमें मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं। तो अब इसका मैं आपको मेजरमेंट बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी हम पीछे फंदे डालेंगे उसके हाफ हम दूसरे कलर के आगे डालेंगे, तब ये डिजाइन हमारा सही से आएगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए तो मैं 8 दूसरे कलर के डालूंगी। अगर आप पीछे 20 फंदे डालो तो आप 10 फंदे दूसरे कलर से डालिएगा। इसी तरीके से हम इसमें फंदे डालेंगे, बिल्कुल आपने हाफ करना है। जैसे 30 फंदे का बनाओ तो 15 आपने ऐसे ही हाफ आगे डालने हैं। फिर उसके इसी तरीके से आप इसमें अपने फंदे सेट कर लीजिएगा। ये देखिए, दो हमारे ये हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये मैंने छोटी पट्टी ले रखी है क्योंकि मैंने यहाँ पे कम फंदे डालने हैं। ये देखिए, ये ऐसे हमने दो कलर से फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, हम यहीं से अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड बनेगी, ये सीधी साइड बनेगी। तो देखिए, फर्स्ट वाला फंदा हम बना लेंगे, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, फंदे बढ़ाने के कई तरीके हैं फ्रेंड्स। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लूज कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट रो है हमारी ये। एक बार हम इसको देखिए पीछे से बनाएंगे, इसी फंदे को हमने बना लिया, इसमें से नहीं निकाल लेंगे, एक बार हम इसको आगे से बना देंगे। ये देखिए, एक फंदे से हमने दो फंदे यहाँ पे, चुन्नी है कई बार अटक जाती है तो आप ऐसा करिए, ऐसे डाल के थोड़ा सा इसको और लूज कर लीजिए खींच के, और हम इसको दोबारा ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो एक फंदे से हमारे यहाँ पे दो फंदे हो गए। तो अब हमारे यहाँ पे हो गए देखिए, तीन, चार, पांच, छः, सात। फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़े से टाइट फंदे हैं ये। ये देखिए, हमने यहाँ पे जितने फंदे थे 8 फंदे ही हमने बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 डाले थे जो हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था। एक फंदा हम पीछे, जो भी आपका कलर हो हम उसको दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हम इससे बना देंगे। और इसको भी हम अंदर ऐसे दबा देंगे। बहुत ही सफाई के साथ बनाएंगे हम बैक साइड से भी, और पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे।
जब भी हम साड़ी और चुन्नी से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा बहुत सफाई से बनता है। इसमें हम नोट नहीं लगाते, ऐसे ही हम अपना जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए, लास्ट में दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। ये देखिएगा, फर्स्ट वाली रो उतार लेंगे, फर्स्ट वाला फंदा सॉरी उतार लेंगे, और इस रो को, ये सीधी साइड बनेगी हमारी, इसमें आपने जो फंदा जिस कलर का होगा उसी कलर से बनाना है, और इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना। जब भी हम चेंज करेंगे तो इस साइड से करेंगे, बैक साइड से, जिसको उल्टी साइड भी बोलते हैं। ये हमारी सीधी साइड बनेगी, तो ये ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये 16 फंदे मैंने, सॉरी 14, दो तो मैंने छोड़ दिए थे, 14 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसको देखिए, हम पीछे करेंगे, ऐसे करना है आपने, और पीछे से ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे आगे, और ये 8 फंदे हम ऐसे बना देंगे। बहुत इजी डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, अगर आपकी भी ऐसी चुन्नी अटक जाए तो आप उसको ऐसे निकाल के ऐसे कर लीजिए। ये हमारा बड़ा हुआ फंदा, इससे आगे वाला इसको भी हम बना लेंगे, और किनारे वाले फंदे को हम पट्टी पीछे करके हम इसको सीधा बना लेंगे। ये देखिए, पलट लेंगे। अब फिर से देखिए, उतार लिया, यहीं से हम फंदा बढ़ाएंगे। आप इसको एक बार आगे से बना के पीछे करके इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, और फिर पट्टी को हम आगे ले आएंगे। फंदे बढ़ाने के फ्रेंड्स कई तरीके हैं, लेकिन हमने हर बार यहाँ पे सेकंड वाले फंदे पे फंदा बढ़ाना है। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बनाएंगे। यहाँ से अब हम एक कलर और लगाएंगे, जो कि मेरा वाइट है। ये देखिए, एक फंदे को हमने कन्वर्ट कर लिया, डिजाइनर बनाएंगे हम ये, तो इसमें मैंने दो कलर लगाए हैं। आप इसमें और भी अलग अलग कली में अलग अलग कलर भी लगा सकते हो। ये देखिए, एक डिजाइन की हम दो रो ही बनाएंगे। अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए, एक बार फिर से मैंने दिखा दिया है सीधी साइड से। इसको पीछे करेंगे और पीछे से ब्लैक ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। ये देखिए, किनारे वाले को हम ये पीछे करके इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे यहीं से। अब ऊपर जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा फ्रेंड्स। वो फर्स्ट रो थी, फंदे डाले थे हमने, अब ये फंदे हमारे लूज हो गए हैं। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला फंदा। अब हम फिर से अपना कलर चेंज, दो रो हमने वाइट से बना ली, अब फिर से हम अपना यही वाला कलर लेंगे और इससे एक फंदा इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपने जितने भी फंदे डाले हैं, इसी तरीके से आपने बनाने हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें ज्वाइंट कैसे लगाओगे,
सही टाइम पे मेरी पट्टी छोटी हुई है। फिर मैं इसको आपको पूरा करके दिखाऊंगी, इस कली को। ये देखिए, ऐसे हम इसको खोल लेंगे और दूसरी पट्टी लेंगे और इसके बीच में ऐसे रख के ऐसे रोल कर देंगे और फिर हम ऐसे बना देंगे। थोड़ा सा आप हाथ से पकड़ के रखिए जब तक हमारा जॉइंट अंदर ना चला जाए। जॉइंट हमारा लग गया है, ये जो छोटा सा अगर बाहर निकले तो आप इसको ऐसे दबा दीजिए, ये देखिए। और फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे। पूरी रो आपने इसी तरीके से बनानी है। हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे और कलर अपना चेंज कर लेंगे। तो मैं इसको बना रही सारे ही फंदे फ्रेंड्स मैं छोड़ लूँगी, दो दो करके 16 फंदे। उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए, इस रो में आपका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ बार हमने फंदे दो दो करके छोड़ दिए। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं और ये हमने आगे 8 फंदे हमारे ये हमने डाले थे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये एक कली हमारी पीछे की बनके कंप्लीट हो गई। अब हमने अपने कलर को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए, दो मैंने निडल डाली, दो का एक कर देंगे, एक हमने घटा दिया। ध्यान से देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये हम आठवां फंदा जब घटाएंगे तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कलर अपना चेंज कर लूँगी। ध्यान से देखिए, ये कलर है तो मैं दूसरा लगाऊंगी। ये हमने आठवां फंदा भी घटा दिया। ये आप ऐसे इनको खींच के ऐसे टाइट कर दीजिए। अब देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस ब्लैक पट्टी को मैं भूल गई, आप इसको इसके नीचे नीचे साथ साथ लेके आना। ये देखिए, 8 फंदे हमने इस कलर से बना लिए और ये आगे के फंदे अब हम ये 16 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। अब ये जो धारी वाला डिजाइन हमारा यहाँ चलेगा, इस पे चलेगा और जो ये ब्लैक था ये हमारा इसकी कली बनेगी। तो ये हम 16 फंदे इस कलर से बना देंगे, ब्लैक से नीचे तक। इस रो में हमने अपने कुछ नहीं किया है, कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, हमने अपना कलर सेट करेंगे इस रो में। और ये जो दो दो करके छोड़ रखे हैं ये फंदे हम बना लेंगे। ये स्टार्टिंग में फ्रेंड्स एक कलर की 4 फंदे इसलिए हो गए क्योंकि मैंने फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन स्टार्ट किया था। 2 रो उतारने के बाद फिर मैंने कलर लगाया था दूसरा और फिर 6 फंदे हमने छोड़ने शुरू कर दिए थे। ये देखिए, पूरी रो में जो जैसा है वैसा ही बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, सीधी साइड से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, ये कलर हम दो दो रो के बाद चेंज करते आएंगे। अब तक हमने ये ब्लैक एक जैसा बनाया था, तो आप देखिए अब ये हमारा पिंक है तो मैं यहाँ पे वाइट कलर लगा लूँगी। ध्यान से देखिए और यहीं से इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए और यहीं से हम अपना फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए, एक बार बनाया, पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को हम एक बार और बना देंगे। पट्टी अपनी तरफ लेके आए, ये देखिए 3 हो गए आगे, 4, 5, 6, 7 और 8 और इस एक फंदे को हम ब्लैक में कन्वर्ट करते जाएंगे। ये हमने अपनी दूसरी कली की स्टार्टिंग कर ली है। इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में इसकी लुक बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे।
और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से ये रो को मैं कंप्लीट करूंगी जो जैसा। ये देखिए, ये जो हमारा नीचे का डिजाइन है, ये ऊपर का भी 8 फंदे इसी की तरह हमारे ये बनते जाएंगे। ये देखिए इतनी सुंदर इसकी लुक आएगी। अब फिर से हम अपना इसमें कलर चेंज करेंगे, तो देखिए अब वाइट को हम पीछे कर देंगे, ये हम आगे ले आएंगे। दो दो रो ही बनानी है एक कलर की। अब देखिए आराम से आपको दिखाई देगा इस वाइट वाले को, एक बार हम पीछे से ऐसे बना लेंगे, एक बार हम इसको आगे से बना लेंगे। ये देखिए एक फंदे के हमने यहाँ पे 2 फंदे बना लिए, 3 हो गए हमारे, 4, 5, 6, 7 और 8 8 फंदे ही बनाने हैं। इसको हम इस साइड कर लेंगे। अभी देखिए एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, हम इसमें ज्वाइंट कैसे लगाएंगे। ये मेरी ब्लैक पट्टी ख़त्म हो गई, तो हम इसको दूसरी पट्टी इसमें ऐसे रख लेंगे, और ऐसे आप थोड़ा सा इसको रोल कर दीजिए। ये देखिए एक वाइट वाला फंदा हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे, और आगे के हम ये सारे फंदे ब्लैक से बना लेंगे, और 2 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। 8 बार हम 2-2 करके फंदे छोड़ेंगे, तो 8 फंदे हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे। ये देखिए दूसरी भी कली मैंने आपको बना के दिखा दी है, कलर भी चेंज करके दिखा दिया है इसमें। ये देखिए 2-2 करके हमें पीछे सारे फंदे छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारे ब्लैक फंदे बढ़ जाएंगे, और फिर लास्ट में जब हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे, सारे फंदे छूट जाएंगे, तो जैसे हमने ये यहाँ पे वाइंड ऑफ किए थे, ये 8 फंदे हम बंद कर देंगे। जैसे ये कलर है तो हम वाइट से इसी कलर से बंद करेंगे, और आगे से फिर यहाँ से दूसरा कलर लगा लेंगे। ब्लैक से हम ये 8 फंदे बना देंगे, और पीछे हम यही वाला डिजाइन डाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। मैं इसको थोड़ा सा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट हुआ है फ्रेंड्स। ये मैंने काफ़ी ऊपर से इसकी ये पिक ली है, तो देखिए देखने में कितना सुंदर है, और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।